हेलो क्रिएटिव फेलो, वेलकम बैक टू माय स्टूडियो। तो आज हम लोग सीखेंगे, अगर दोनों ऐसे शेप रहता है, दोनों शेप को कैसे मार्च करेंगे और एक शेप से दूसरा शेप में कैसे हम लोग मॉर्फिंग करेंगे। ठीक है, तो पिछला वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, कैसे शेप चेंज करेंगे, वो तो हम लोग एडिट किए थे। लेकिन अगर हम लोगों के पास ऐसा दो ऑब्जेक्ट है, ए एक ऑब्जेक्ट है और मान लो ए एक ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है हम लोगों के पास, तो ये दोनों को कैसे मार्च करेंगे एक के साथ। ठीक है, तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, पहले आप लोग ये थोड़ा एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट जो है ना, इसको ऑन कर लेना एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट। इसके ऑन करने के बाद क्या होगा, तो जो रॉक्स है, रॉक्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है गए रॉक जनरेटर। रॉक जनरेटर में जाने के बाद बहुत सारा ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मैं अब अपने हिसाब से करना, कोई बात नहीं, मैं बस इसको दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आए, तो यहाँ पे आने के बाद जितना भी यहाँ पे है मॉडिफायर है तो अप्लाई कर देना, जो जो है बस अप्लाई कर देना, कोई देखने का जरूरत नहीं। ये थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे, स्मूथ कर लेंगे तो अच्छा होगा। तो मैं सब डिवीजन सर्फिल लगा दिया, एक लगाया बस, ठीक है, एक ही है, एक में चलेगा। फिर इसको अप्लाई कर दे, ध्यान रहे अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई करके काम करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा इसको, अभी मैं आप किसी की किसी भी शेप के साथ किसी को भी मार्च कर सकते हैं। आप ऐसे सिलेंडर के साथ भी कर सकते हैं, मैं सिलेंडर में दिखाया आपको, ठीक है कैसे होता है। तो अभी मैं एक इको स्पेयर लेके दिखाता हूँ, ये है स्पेयर लेके दिखाता हूँ कैसे होता है इसे। इको स्पेयर इसको लिया, थोड़ा सा ऊपर के इसको, अब मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है। और ये जो है इसको मैं डुप्लीकेट बनाता हूँ, इसको डुप्लीकेट और इसके ऊपर छोड़। क्या करेंगे, इस जो शेप को आपको जिसकी तरह बनाना, मान लो ये जो रॉक्स है, रॉक्स को ये इको स्पेयर की तरह बनाना है, तो रॉक्स को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। अगर नहीं तो क्या होगा, वो भी मैं दिखा रहा हूँ, अगर छोटा रखेंगे तो क्या होगा। ये मैंने छोटा रखा, ठीक है, जो मेरा रॉक है इससे छोटा है, तो मैंने रॉक को सिलेक्ट किया। करने के बाद एक श्रिंक रैप मॉडिफायर लूँगा, श्रिंक रैप। श्रिंक रैप के क्या क्या मतलब, क्या करता है, इसको एक टारगेट दे दूंगा कि तुम्हें इसकी तरह बनना है, तुम्हें श्रिंक होके इसके जैसा बनना है। मतलब जैसे जिम में जाके बनते हैं ना, सिक्स पैक बनाना है, एट पैक बनाना है, मेरे को इसके जैसा बॉडी बनाना है, मेरे को इसको जैसा बॉडी बनाना है, वही है। ये भी बहुत मज़ेदार है, ऐसे ही है कि मेरे को गोलाकार जैसा बनना है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, यहाँ पे आइकोस्पियर है, ठीक है। आइकोस्पियर में आइको इको जो भी है आप टारगेट दे देंगे, टारगेट में क्या बोलेंगे इसको, जो है ये ऐसे भी टारगेट सेट कर सकते हैं दोनों तरफ से, ऐसे करके ऐसे पिक कर सकते हैं, नहीं तो सेट कर सकते हैं। आप देखना, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। बंद कर देता हूँ फिर देखना, सॉरी ये क्यों नहीं हो रहा है अभी। अभी जो मैंने अप्लाई किया, बोला था ना जो भी करेंगे अप्लाई कर लेना पड़ेगा, बट इसी में जो मैं बना रहा हूँ, इसी में जो भी बनाएंगे उसमें अप्लाई कर लेना है। अप्लाई कर लिया, अप्लाई कर लेने के बाद इको स्फीयर को मैंने बंद कर दिया। आप देखना, आप जो मेरा ये है ना रॉक्स है ना, वो ऐसे हो गया पूरा, जैसे इको स्फीयर था ऐसे शेप ले लिया, ठीक है। ये छोटा था, अगर बड़ा करेंगे तो क्या होगा, वो भी मैं दिखा दूँ। कभी कभी क्या होता है ना, शेप जैसा नहीं लेता है, वो छोटा रहने से कभी कभी शेप ठीक नहीं लेता है, लेकिन यहाँ पे ले लिया, अच्छा बात है। नहीं तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे मैं ये रॉक्स को डिलीट कर रहा हूँ और एक रॉक्स ले रहा हूँ। यहाँ पे छोटा होने से क्या होता, अंदर का शेप जैसा है ऐसे बन जाता है। ये आपका स्फीयर है इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है। अगर कोई क्यूब होगा या मान लो एक स्फीयर हटा के मैं यहाँ पे क्यूब डाल देता हूँ, ठीक है, क्यूब डाल दिया, क्यूब को थोड़ा सा बड़ा किया थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा छोटा किया, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या होगा,
अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग रैप मॉडिफायर डालूंगा और मैं क्यूब को टारगेट दूंगा तो देखो क्या हुआ, ठीक है, ये ऐसा छोटा हो रहा है, मतलब क्यूब जैसा शेप नहीं ले रहा है। पूरा तो 100% नहीं होगा लेकिन अप्रोक्सीमेट तो होगा ना, ये नहीं हो रहा। इसीलिए क्या करना है, इसीलिए रॉक्स को यहाँ पे डिलीट करना है। डिलीट करके रॉक्स को थोड़ा सा बड़ा करना है, जो टारगेट है टारगेट से थोड़ा सा बड़ा करना है। टारगेट हम लोग का क्यूब है, क्यूब जैसा बनना है इसको, तो टारगेट से थोड़ा सा बड़ा किया इसको, ठीक है। अभी मैं इसको स्ट्रिंग रैप मॉडिफायर दूंगा और बोलूंगा कि मैं क्यूब में जाना है। अभी देखो ये हो गया ना, अप्रोक्सीमेट हुआ ना, उससे तो ज़्यादा परसेंटेज हुआ है ना। अभी मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं अप्लाई कर दूँगा। अप्लाई कर देने के बाद अभी शेप मॉर्फिंग, शेप मॉर्फिंग में एक बात ध्यान रखना, पहले जिसको सिलेक्ट करोगे उससे पहले जिसको सिलेक्ट करोगे वो होगा टारगेट, मतलब ये शेप चेंज होके इसी तरह बन जाएगा। देखो यहाँ पे क्या, जैसे शेप की मैं किया था, शेप की अगर नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो देख लेना उसको, और जॉइनर सेव कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या, ये जो है मतलब ये में एक बात ध्यान रखना, अगर कोई प्रॉब्लम होगा, ये जो योलो बॉर्डर है, योलो बॉर्डर जहाँ पे रहेगा, योलो बॉर्डर उसका टारगेट है, रेड बॉर्डर उसका टारगेट है, ठीक है। तो इसको मैंने हटा दिया, हटाने के बाद क्या क्या बोला, इसको ये जैसा बनना है, मतलब अभी ये इसके जैसा बनेगा। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, जॉइन एंड सेव किया, जॉइन एंड सेव करने के बाद देखो ये किया, ये ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा है। आप किसी को भी किसी के साथ मैच कर सकते हैं, ठीक है। आप ये जो ये हम लोग सुजन है, सुजन को भी क्यूब के साथ मैच कर सकते हो, बहुत ईजी है। तो एक छोटा सा वीडियो था, आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अगला वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर दीजिए, और कोई क्वेश्चन होगा या कुछ सजेशन होगा तो वहाँ पे भेज देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।